नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी सांझी रसोई में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं, एक अनोखी तरीके की कड़ी। तो इस लॉकडाउन में एक कड़ी चावल का प्लेटर आज एंजॉय करते हैं। कड़ी मेरे हस्बैंड बनाएंगे, तो आइए आज उनसे सीखते हैं कि ये कड़ी कैसे बनती है। गाइस वेलकम बैक टू सांझी रसोई, एंड अभी हम ये कड़ी बनाएंगे और मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा कड़ी कितने फेजेस में बनेगी। पकौड़ियों को हम बाद में तलेंगे, अभी सबसे पहले हम, क्योंकि कड़ी जो शब्द है उसमें मतलब है कि काढ़ना, तो उसको आप जितना काढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा कड़ी के अंदर। तो आप अभी, मैं फिलहाल क्या करूंगा, सबसे पहली चीज कि मैं कड़ी को काढ़ने के लिए रख दूंगा। कड़ी को काढ़ने के लिए मैं ये दही ले रखी है यहाँ पे, ये दही ऑलमोस्ट 400 ग्राम के बराबर है। तो मैं इस दही को इसके अंदर डालूंगा और मैं इसको दो फेजेस में करूंगा अभी फिलहाल। ये मैंने दही ले ली है और अब मैं इसमें पानी मिला दूंगा, पानी मिला दूंगा। सो आपने ये देखा कि मैंने दही जो डाली, मैंने उसमें पानी डाल के उसका मट्ठा बना लिया। इसी तरीके से अब मैं बेसन डाल के उसका भी एक घोल तैयार करके और दोनों को अपने कुकर के अंदर डाल दूंगा। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और मैं फिर बेसन डालता हूँ। सो गाइस, जैसे आपने देखा कि हमने पहले उसका मट्ठा बना लिया, मतलब दही के अंदर हमने पानी डाला और उसको भर लिया है। पानी आप दही के अंदर जितना डबल डाल दीजिएगा, आपको पानी डालने में ना बेसन में चिंता करनी है ना उसमें करनी है, क्योंकि अगर हम ऑलमोस्ट, ये आप कुकर देख रहे हैं, इसको भर के बनाएंगे तो कड़ी को कड़ते कड़ते ये कुकर आधा हो जाना चाहिए। दैट इज द होल फिलॉसफी अबाउट दिस। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने ये बेसन डाल दिया है। आप देख रहे हैं चम्मच का साइज, चम्मच का साइज देख लीजिएगा। मैंने टेबल स्पून है, तो हम टेबल स्पून से मेजर करके बेसन डालते हैं। तो ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें फिलहाल अभी जो है ऑलमोस्ट 3.5 से 4.25 चम्मच, या आप 4 ही लगा लीजिएगा, 4 चम्मच बेसन इसके अंदर चला गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद मैं इसको फिर इसका घोल बनाऊंगा। सो गाइस, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुकर को रख दिया है। अब मैं इसके अंदर, ये मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल देखिए, आपको थोड़ा ज्यादा डालना है, इसमें आप थोड़ा सा घबराइए। और अभी कुकर मेरा थोड़ा सा तेज था, तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए, आप देख सकते हैं 3 सर्विंग स्पून डाला। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तेल जो है ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 सर्विंग स्पून गया होगा, या आप 3 चम्मच टेबल स्पून कह लीजिएगा। अब ये मैंने मसाले तैयार किए हुए हैं, आप एक बार इन मसालों को बहुत गौर से देखिएगा। ये है मेरी काली मिर्च, ये है लौंग, ये है मीठी दाना, ये है हमारा धनिया पाउडर, ये है हमारी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, तेज पत्ता और हींग। जैसे ही तेल गर्म होगा दोस्तों, मैं इसको सीधा एज इट इज इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो मैं इसको सीधा सीधा इसमें ऐड कर दूंगा। अब मैंने इसको देखिए थोड़ा सा घुमा लिया है, ये मैं इसको थोड़ा सा घुमा लिया। आंच का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सूखे मसाले हैं तो वो बहुत जल्दी तेल में डलते ही ड्राई हो जाते हैं। ये जो मैंने बेसन का और इसका मट्ठा बनाया हुआ था, आपको बहुत बिना देर करते हुए इन सब चीजों को इसके अंदर डाल दो। इन सब चीजों को आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। ये देखिए, अब मैं बात तो कर रहा था कि मैं पूरा कड़ी को काढ़ूंगा, तो अब काढ़ने के लिए आप इसमें एक्स्ट्रा पानी डालिए, बेझिझक पानी डालिएगा। इसमें आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, क्योंकि कड़ी जितना कड़ेगी उतनी बढ़िया पकेगी।
तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करूंगा, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा। और आप ये बात याद रखिएगा कि मैंने जितने भी मसाले डाले थे उसमें नमक नहीं डाला था, बिल्कुल याद रखिएगा, नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक मैं तभी डालूंगा जब पहला उबाल कढ़ी के अंदर आ जाएगा। ये मैंने इसके अंदर पानी और डाल दिया, थोड़ा सा बचा है ये भी प्यार भावना से डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला लूंगा, आप इस कढ़ी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप घर में कभी जो नॉर्मल कढ़ी बनती है आप उसको भूल ही जाएंगे। So, दोस्तों हमने इसके अंदर जो भी खड़े मसाले डाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमने जो है 5 से 7 जो है लौंग डाल दी, और 12 से 15 हमने इसमें काली मिर्चें डाल दी, और धनिया पाउडर हमने ऑलमोस्ट दो टेबल स्पून डाल दिया था, और लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, बिकॉज कढ़ी के अंदर आखिरी में भी लाल मिर्च का तड़का लगता है। आप ये देखिएगा कढ़ी हमारी बॉईल होने पर रखी हुई है, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसके अंदर ये लगा लीजिएगा 1.5 लीटर पानी डाला हुआ होगा, 1.5 से 2 लीटर पानी डाला हुआ होगा, और ये मैंने 1.5 से 2 टमाटर आप यहाँ पे कटवा के रखिए, और ये प्याज जो है ये हमने ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए एक बड़ा प्याज कटवा लिया। ये अदरक है हमारी, अदरक का मैंने लच्छा करवा लिया, लच्छा मतलब इसको ग्रेट करवा दिया मैंने, जूलियंस नहीं बनाई है इसकी। और ये लहसुन है, लहसुन को बारीक बारीक कटवा लिया, अगर आप इसको बारीक नहीं काटना चाहते तो आप इसको नाइफ से पुश करके प्रेस भी कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जब कढ़ी बनती है तो ये हमारी कढ़ी पत्ता जो है, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें से कढ़ी पत्ते में से पत्ते पत्ते डाल देते हैं, बट मैं क्या करूँगा, असली स्वाद कढ़ी का जब आएगा जब आप इसका पीछे का ये डंठल भी डालेंगे, ये इसकी स्टिक डालेंगे, असली स्वाद कढ़ी में तभी आएगा। अभी मैं बिना सोचे समझे ये सारे मसाले इसके अंदर ऐसे डाल दिए। तो गाइस अब मैं आपको पकौड़ी बनाने के लिए ये बता रहा हूँ कि हमें कौन क्या क्या चीजें बनानी है। बहुत सारे लोग जो हैं पकौड़ी बहुत अलग अलग तरीके की बनाते हैं, कई बार कढ़ी के अंदर प्लेन पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, बट कई बार वो प्लेन पकौड़ी जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। बट मेरे को जो पकौड़ी अच्छी लगती है, मेरे को स्पेशली पालक की पकौड़ी हरी मिर्चों के साथ थोड़ी सी स्पाइसी और फ्लफी पकौड़ी जो करारी हो वो अच्छी लगती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब पकौड़ियाँ बना रहे हो तो अपनी पकौड़ी को फ्लफी कैसे करें, करारा कैसे करें। तो अब हम ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बेसन लिया है, और अब मैं इसकी अगर क्वांटिटी बताऊंगा भी कि मैंने 4 चम्मच या 5 चम्मच या 6 चम्मच, बेसिकली आपको जितनी पकौड़ियाँ बनानी है उतना बेसन लीजिए, इसमें कोई घर में लगता है बेसन क्योंकि हमारे घर में क्या होता है जब बेसन ये पकौड़ियाँ बनती हैं तो आधी पकौड़ियाँ तो स्नैक्स में चली जाती हैं, तो इसलिए हम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा ही बनाते हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, मैंने ये पालक लिया हुआ है, हरी मिर्चें ली हुई है, थोड़ा सा अनारदाना लिया हुआ है, और अजवाइन ले रखी है, और लाल मिर्च और नमक ले रखा है। अब मैं कुछ ना करते हुए बस इसको सीधा सिंपल ऐड कर दूंगा, इसके अंदर हर चीजों को ऐड कर दूंगा। अब हम कढ़ी की पकौड़ी उतारेंगे, तो देख हम हाथ से महसूस कर सकते हैं दैट ऑयल खूब तेज गर्म हो गया है। अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे, बिल्कुल तेज आंच पे नहीं पकौड़ी उतारेंगे कि अंदर ऊपर से तो पक जाएगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएगी, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करते हुए अब हम इसमें पकौड़ी डालने का बैटर शुरू करेंगे। हम बहुत बड़ी पकौड़ी नहीं बना रहे हैं, छोटी बना रहे हैं, मगर आप चिंता मत करिए, आप जब छोटा सा बहुत छोटा स्पूनफुल ऑफ बैटर भी डालेंगे ना तो ये अपने आप फूल जाएगा, क्योंकि याद रखिए इस बैटर में हमने इनो डाला था।
जितनी आपकी कढ़ाई बड़ी हो उस हिसाब से आप उतनी पकौड़ी एक टाइम पे डाल सकते हैं। ओवर क्राउडेड नहीं करिए, अदरवाइज कुछ कच्ची रह जाएंगी, कुछ पक जाएंगी। तो अब हम देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्लॉट पकौड़ी का ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही रखा है हिलाते हुए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पकौड़ी बन गई है, अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसको एक नैपकिन से उतार लेंगे। गाइस आप ये देख रहे हैं हमारी कढ़ी जो है वो बहुत ही अच्छे से कट रही है। आंच को फिर दोबारा बता रहा हूँ, पूरा तेज ना करिएगा, मीडियम पे रखिएगा और कढ़ी को आप ये लगा लीजिए। ये हमारा कुकर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 से 5 लीटर का कुकर होगा, तो इसको हमने ड्रेन आउट करने के लिए अगर इसमें हमने बनाया ये लगा लीजिए 3 लीटर मैंने ऊपर से टोटल पानी जो डाला 3-3.5 लीटर पानी डाल दिया था, और इसको ड्रेन आउट करने के लिए आप ये लगा लीजिए आधा घंटा, इसको जो है आधा घंटा तो लगेगा। ये कोई बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी नहीं है, क्योंकि कढ़ी को अगर खाना है तो पूरा काढ़ काढ़ के ही खाना है। आप देख रहे हैं हमारे टमाटर, प्याज और जितने भी खड़े मसाले हैं वो सब इसके अंदर उबल रहे हैं, वो अपना जूस धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, और जब आप इसको खाएंगे तो आपको हर एक चीज का स्वाद आएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा अब ये हमने पूरे बॉईल को बंद कर दिया है। अब हम इसका एक मेन प्रोसेस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें प्याज, टमाटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली थी जो मुंह में खाने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको क्या करेंगे, बट उनका स्वाद, उनके जूसेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हम आपके सामने इन सभी चीज़ों को इसके अंदर छान लेंगे। छानने के बाद फिर हम अपनी कढ़ी को वापस उसमें रख के और फिर हम तड़का लगा के और पकौड़ियाँ बना के जो हमने बनाई थी पकौड़ियाँ पालक और हरी मिर्च की वो उसमें डालेंगे, और उसके बाद हम उसको अब आप ये देखिएगा ये प्रोसेस थोड़ा सा जस्ट बी केयरफुल बिकॉज कढ़ी हमारी बहुत गर्म है, तो मैं अपनी वाइफ की हेल्प ले रहा हूँ इसमें बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट डूइंग ऑल दिस। मेरे को मसाले डालना ही बहुत अच्छा लगता है, सारे बेसिक काम में मेरे वही हेल्प करती हैं, चाहे सब्जी काटना हो, चाहे छानना हो, तो वही वाली बात है कि दोनों का साथ में ही तभी चीज बड़ी स्वादिष्ट बन जाती है एकदम। अब हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसको अभी पिचका के और इसके ये जो खड़े कुछ भी खड़ा हुआ दिख रहा है हमें इसको चम्मच से थोड़ा सा क्रश करना है। आप बहुत सिंपल सा काम भी कर सकते हैं, इसको ब्लेंडर में रखिएगा, ब्लेंडर में रख के इसका एक बार जूस बना दीजिएगा और सीधा इसके अंदर डाल दीजिएगा थोड़ा सा पानी के साथ। बट एनीवेज हम जो है बहुत ही देसी तरीके से हम इसको प्रेस कर रहे हैं। आम भाषा में जैसे हम लोग चाय में इलायची डालते हैं तो उसका फ्लेवर लाने के लिए हम लोग उसको छन्नी में डाल के उसको चम्मच से दबा लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, उसी तरीके से इसका प्याज, अदरक, लहसुन, सब करी पत्ता, बाकी जो खड़े मसाले हैं हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ये सॉफ्ट तो हो ही चुके हैं बलने की वजह से, थोड़ा सा जो और एक्सट्रैक्ट कर देंगे इनका फ्लेवर जो है कि वो कढ़ी में बिल्कुल आ जाए और सारा फ्लेवर आपकी कढ़ी में आए आपके खाते हुए। और छान हम इसलिए लेते हैं कि ताकि कुछ भी आपके मुंह में ना आए। सो गाइस देखिए मैंने पूरी कढ़ी जो छानी हुई थी उसको वापस इसमें कुकर में पूरा छान के अच्छे से रख के, और अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने अभी तक इसमें गरम मसाला नहीं डाला था, तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगा। और गरम मसाला आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए 1/2 टेबल स्पून जो होता है, 1/2 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून जो भी है उतना ही डालना, छोटी चम्मच की, गरम मसाला कड़वाहट कर देगा अगर बहुत ज्यादा होगा तो। ये मैंने नीचे गैस चला रखी है और साइड में आप देखिएगा कि वहां पे तड़का लग रहा है थोड़ा सा, उसके बाद हम क्या करेंगे, और आप कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी देखिएगा, ये देखिए अभी कढ़ी जो है
वो मैंने जान पूछ के थोड़ी सी पतली रखी है, गैस भी चल रही है मेरी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं वो इसे सारा रस पी ले, तो उससे पकौड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। और अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले सारी पकौड़ियों को ऐड कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये मैं पकौड़ियों को ऐड कर रहा हूँ। तो अब देखिए, मैंने छौंक लगाने वाला बर्तन ले लिया है, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल लिया है, जो मैं इसमें डाल रही हूँ आप देख सकते हैं, साबुत लाल मिर्च, सरसों के दाने और एक छोटी चम्मच जिसको हम टीस्पून कहते हैं देगी मिर्च, जिसमें सिर्फ रंगत ज्यादा होगी, ज्यादा मिर्ची नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मसाले मेरे हस्बैंड पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो अब हम ऑयल में कश्मीरी ये साबुत मिर्ची को तोड़ के डाल देते हैं, थोड़ा सा ये क्रैकल करें ऑयल में। अब मिर्ची डालते के साथ इसको आप सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कड़ी पकौड़ा बनके तैयार है। इट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। आप ऐसा ट्राई करके जरूर देखिएगा इसको एक बारी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, वी प्रेफर राइस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, और आपको पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर दिस रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन अगले बार फिर मिलते हैं हमारी सांझी रसोई में। बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।